Chalapathy. Prasad, you are talking about B1. No, yesterday. B1 for R2 is not gone live. R2P. तुम्हारी भी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? पिकअप प्रॉब्लम. क्या बोला सर? क्या बात? कुछ बैड रूम क्या करेंगे? तो फिर डेली चेंज कर रहा रूट. गिला सर, नाम कम बैठेगा तो उधर ही जाओगे. अभी तुम कैसा स्कूल से निकल के कैसे जाता मॉर्निंग में? उधर ही सिग्नल सर. आ मेरे मध्यान साइकिल तो कर डॉलर सर. ठीक है, वन टाइम आता है बैठेगा. सुबह में उधर ही सिग्नल से जाता है. ठीक है, सुबह में दो डेली 12 बजे 3 बजे तो कर देते हैं. ठीक है, मैं 12 बजे की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पिकअप वन की बात कर रहा हूँ. पिकअप वन में व्हाट इज द रीजन प्रसन्न फॉर अस नॉट कैप्चरिंग P1? आई विल शो यू सर राइट नाउ. R2 P1 इरेगुलर जीपीएस ड्यू टू एंटीना कवरिंग. एंटीना कवरिंग तुम्हारा क्लियर कर दें. एंटेना के ऊपर गेटू का फाइल वगैरह ले फिर रहे तुम. स्कूल खुल के आज जून जुलाई अगस्त सितंबर 3.5 महीने हो गए. ये 3.5 महीने के बाद की रिपोर्ट में तुम्हारी गाड़ी रवि की गाड़ी और नीचे है सो किरण की गाड़ी, सिर्फ 3 गाड़ियों के कंप्लेन. देखो सब क्लियर है. विंगर फोर का पिकअप वन गौतम करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ड्रॉप वन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप टू प्रॉब्लम है. कम ना R20 पिकअप वन नो प्रॉब्लम. तुम्हारा सुबह में R20 का पिकअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली ड्रॉप में है. रूट वैल्यूएशन ना R2 तुम्हारा पिकअप वन है, ड्रॉप वन है. ड्रॉप 2 का है? ड्रॉप 2 इज व्हाट दैट R2 ड्रॉप 2 ड्रॉप 2 इज हां ड्रॉप 2 इज आल्सो देयर ना. देयर R2 इज राइट थ्री शिप्स मेबी इट्स सी बट इट्स गॉट लाइक इट्स गॉट लाइक. अच्छा नाउ आर यू श्योर द पिकअप हैज अ प्रॉब्लम? अच्छा नाउ दिस R3 दोपहर में नहीं जाता? नहीं जाता. जाता हां जाता. किधर जाता? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ GPS ಡೇಟಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಂತಿದೆ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಬೌಟ್ 1 or 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ತಾ. रूट चेंज हो गया, 2 महीने हो गए, मैं उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग चेंजेस कर लिए, फिर तो रूट चेंज कर रहे हैं. ट्रैफिक प्रॉब्लम लैपटॉप में चिनापनली का एड्रेस है, स्टॉप 7 में एड्रेस है चिनापनली है. आई डू वन थिंग प्रसाद, आफ्टर दिस आई विल बैक के क्लीनर्स भी नजर रखे जीपीएस के ऊपर कुछ है या नहीं है, मगर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा बिकॉज आई थिंक विल वेरी सून इंस्टॉल ऑल बसेस विद दोस boxes and we'll install it in such a way that there is no way they can slide in anything. Yes, sure, 100%. Because when we put a two-way tape,
The tape is going to stick to the body and the glass. Yes. So that is itself is a blockage. So there is no chance of any paper going. So we fall around it, we put a two-way tape and we put it. And basically what I was thinking is that we fix a mirror inside or something for reflection if possible. To give you more... दूसरी चीज प्रसाद सर और श्रीकांत सर इन लोग सब पूरी ही एक टीम बैठ के काफी दिमाग लगाए काफी परेशान होके देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं तो किसी को कुछ समझ में आया किसी को कुछ समझ में आया तो ये लोग ये प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो सोल्यूशन ये है कि ये ड्राइवर्स के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप लोग को एक टारगेट दिया जा रहा है आप लोग को ये गाड़ी जो जीपीएस आपके हवाले किया गया है जीपीएस का मेंटेनेंस उसका तार कहाँ से कट रहा चूहा काट रहा रेड कट बाइक है या पर्पसली कोई नाइफ से कट कर रहा दिस इज तो ये लोग पीरियोडिकली चेक करते रहेंगे इनके जो सैफ एंड द अदर पर्सन हुज है शब्बीर और सैफ ये लोग आगे चेक करते रहेंगे और ये लोग को रिपोर्ट देते रहेंगे इनके पास मैं अभी लिस्ट भेजूंगा कि R1 मॉर्निंग में कौन चला था आफ्टरनून में कौन इवनिंग में कौन R2 R3 वैसा है क्योंकि कई गाड़ियां हैं गौतम सुबह चला था दोपहर में जनार्दन चला था शाम में किरण चला था तो ऐसा काफ़ी गाड़ियां हैं सुबह एक ड्राइवर है शाम में एक ड्राइवर है तो बेसिकली नॉर्थ स्टार की तरफ से ये लोग एक प्रपोजल लाए हैं जिसको मैं एक्सेप्ट किया और प्रपोजल को बीम्स की तरफ से मैं भी बढ़ावा दे रहा हूँ तो बेसिकली आज तारीख है 12 है 11 है 12 अब मंडे से मंडे क्या तारीख है एनीवे मंडे जो भी तारीख है वो देख लो मंडे से आप लोगों के लिए एक टारगेट ऑन हो रहा हूँ 17 दिसंबर तक 3 महीने आप लोगों के ऊपर ट्रैकिंग होने वाली है बेसिस ऑन द ट्रैकिंग इन लोग के पास रिपोर्ट जेनरेट होगी जो ये रिपोर्ट एवरी वीक या एवरी 15 डेज एवरी वीक मेरे को रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें मैं भी देखूंगा कि कौन सही है कौन कितने बार एड्रेस का जीपीएस फेल हुआ जीपीएस बंद हुआ कितने पेरेंट्स को उसकी बस में एसएमएस गया कितने पेरेंट्स को नहीं गया वो डिटेल रिपोर्ट पूरी उन्होंने भेजने वाले हैं कौन रूट वायलेशन किया जैसा किरण से बात हो रही थी कौन रूट वायलेशन नहीं किया फिर उसके बाद कोई जबरदस्ती का स्टॉप नहीं है सो जगह गाड़ी रोक के टाइम वेस्ट किया डिवाइस टेम्परिंग कोई डिवाइस जैसा मैं नहीं बोला रेड बाइट है या इंसान के हाथ का कटा हुआ है वो तो समझ में आ जाता कौन डिवाइस की अच्छे से हिफाजत किया मेंटेन किया और एंटेना को कवरिंग डिवाइस को कवरिंग वो जो किया नहीं किया वो पूरा रिकॉर्ड होगा कौन ओवर स्पीडिंग किया कौन ओवर स्पीड नहीं किया और जो टाइमलाइन फॉलो किया और जो टाइमलाइन फॉलो नहीं किया तो ये हर एक चीज की एक एक डिटेल हर ट्रिप की कवरेज होगी और इसकी रिपोर्ट हमको मिलेगी तो 3 महीने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे दिसंबर में छुट्टियों से पहले और उस दिन हम रिपोर्ट सबके साथ शेयर करेंगे कि भाई 3 महीने में सब में टॉप ड्राइवर कौन था नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3 इनको नॉर्थ स्टार की टीम की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा जो भी ये लोग तय करेंगे इनके बॉसेस से बात करके वो आपको बता दिया जाएगा ये लोग कैश रिवॉर्ड देंगे और टीम्स के तरफ से मैं गिफ्ट वाउचर्स कुछ दूंगा जाके फोरम में या कहीं आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं तो ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 ड्राइवर 3 अलॉन्ग विद ड्राइवर्स ये लोग खाली ड्राइवर्स को देंगे मगर मैं
वही बस का ड्राइवर अगर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि उसका क्लीनर भी अच्छा हो, समझ रहे ना? ये तो इसकी बात है, ये आपके हाथ में है, इसमें क्लीनर का कोई हाथ नहीं। मगर मैं क्लीनर्स को भी एक मौका देना चाहता हूँ कि जो अपनी बस साफ रखे, अपनी बस की हिफाजत करे, बस को क्लीन रखे, डीजल बराबर चेक करे, टायर्स की ये मेंटेनेंस, टूल्स का मेंटेनेंस, अपने बस की सीट्स नहीं फटना चाहिए। तो ये इसमें भी मैं रिपोर्ट तैयार करूँगा, आफ्ताब आ जाएगा संडे, उसके साथ मंडे बैठूंगा। तो जब ड्राइवर्स को इनाम मिलेगा तो क्लीनर्स को सैड होने की जरूरत नहीं है, क्लीनर्स के लिए भी 1, 2, 3 रहेगा जो स्कूल के तरफ से अपने तरफ से इनाम दूंगा। और जो ये तो इनाम की बात हो गई, और जो वॉयलेशन में कई बार फॉल्ट्स रिपीट करते हुए आया उस दिन उसको सस्पेंशन भी मिल जाएगा, क्योंकि जो स्कूल के रूल्स और मेरे बात मान के चलने वाला नहीं है उसको मेरे स्कूल में रहने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में आ जाते हैं तो आप अपना एटीट्यूड और आपकी हीरोगिरी घर में लॉक करके आते हैं। 5 बजे ड्यूटी करके वापस जाओ, मेरा यूनिफॉर्म होता रहो, फिर कॉलर चढ़ा लेके हीरोगिरी करो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मेरे यूनिफॉर्म पहन के जब ड्यूटी पर रहे तो वो करना जरूरी है, समझ रहे सब जने ना? तो अब कोशिश करो कि आज इतना पुकारा तुम्हारे ऊपर हुआ, हो सकता है तुम कनेक्ट हो जाओ और क्या मालूम 15 दिसंबर को तुम फर्स्ट प्राइज लेके चले जाओ, हो भी सकता है। देयर विल बी प्रेस कवरेज आल्सो। और उसके बाद हम लोग ये मीटिंग में प्रेस वाले भी आएंगे, प्रेस वाले फोटोग्राफ लेंगे, फिर तेरी बीवी तेरी फोटो पेपर में देखेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस। टीवी स्कूल ड्राइवर्स ड्राइविंग हैबिट स्कूल वेयर स्कूल के एग्जांपल आ गए था अब उद्देश्य बन दो हेलो हेलो ड्राइविंग हैबिट्स आ गए ड्राइवर्स ये लोग नो कर दो ये स्कूल पर के वेयर स्कूल के एग्जांपल आ गए बेंगलुरु में ಡೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತರ ನಿಮಗೀಗ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಡೀನ್ಸ್ ಬಸ್ ಟ್ರೆಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೀನ್ಸ್ ನೋ ನೋಟಿಫೈ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಪೇಪರ್ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತರಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ठीक है, तो अब आप लोग के बस का टाइम हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप लोग के लिए कुछ स्नैक्स मंगवाया था अलवर भाई के पास रखे हुए हैं, तो आप लोग जाते वक्त ले लो या फिर 2 बजे आके रहमान तुम अनवर से लेके सब में जरा तकसीम करवा।